वर्षों के इंतजार के बाद बख्तियारपुर करजान ताजपुर गंगा पुल का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही इलाके के लोगों में इस बात को लेकर आस जगी थी कि पुल के निर्माण के बाद उनकी जिंदगी भी रफ्तार पकड़ लेगी। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। पुल निर्माण कार्य में लगाए गए सारे उपकरण जंग की भेंट चढ़ रहे हैं। निर्माण स्थल पर न तो कोई कर्मचारी है और ना ही कोई अधिकारी। सुरक्षा गार्ड बताते हैं कि निर्माण कार्य में लगी लॉन्चर मशीन के टूटने के कारण निर्माण कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, मजबूरन कंपनी को काम बंद करना पड़ा। के वक्त जो काम बंद हुई, हाँ वो लॉन्चर गिर गया था। अच्छा, लॉन्चर गिर गया था, इसी कारण से कंपनी लथर गया एकदम। मतलब कंपनी को घाटा महसूस हुआ। मशीन टूटा था उसमें, मशीने लंचर पलटी मार दिया था ऊपर से, इसीलिए वो पुल टूटा हुआ है। हाँ, लंचर जो सिगमेंट ज्वाइंट होता था ना, अच्छा, उसी को लॉक नहीं किया, उसका कारण हवा बहुत तेज आया, 5 बजे भोर में वो पलटी मार दिया। पुल निर्माण का काम कब शुरू होगा, इस सवाल के जवाब में तैनात सुरक्षा गार्ड ने बताया कि कंपनी द्वारा नया लॉन्चर मशीन लाया गया है जो पहले वाली लॉन्चर मशीन से छोटी है। पहले वाली लॉन्चर मशीन जहां 3 पाया पर एक साथ काम करती थी, वही नई मशीन सिर्फ 2 पाया पर एक साथ काम कर सकेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि पुल निर्माण का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। विश्व में सबसे टॉप लॉन्चर था वो, टूट गया, उसी कारण से काम सब बाधा हो गया, नहीं तो फिर तो काम फाइनल हो रहा था। अब फिर नया लॉन्चर आया है? हाँ, नया लॉन्चर आया हुआ है, आप देखिएगा वहाँ पर ही आपको जो हरा ब्लू में रंग, हाँ, रंग में कुछ रखा हुआ है, वो नया लॉन्चर का ही सामान है, उसी से फिर निर्माण, हाँ उसी से फिर निर्माण होगा। महात्मा गांधी सेतु पर दबाव कम करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे इस पुल का उद्घाटन साल 2022 में होना है। निर्माण कार्य में अब तक लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, करीब 50% काम पूरा हो चुका है। ऐसे में निर्माण कंपनी और सरकार की उदासीनता की भेंट चढ़ा ये पुल अपने रहनुमा की बाट जोह रहा है। नेशन न्यूज के लिए बाढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।